तुम हो तो लगता है मैं हूँ। हो सके तो रहना तुम साथ मेरे, हो बुरे या अच्छे हालात मेरे, जिंदगी भर रहना तुम साथ मेरे। दिस इज मेघा एंड वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बर्थडे के लिए एक न्यू वीडियो प्रोजेक्ट, जिसे कि आप किसी के भी पिक्चर से बर्थडे विशेस के लिए ऐसे वीडियो क्रिएट कर सकते हो। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही आप लोग घंटे के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से वीडियो क्रिएट नहीं हो पा रही है तो मैं आप लोगों को बनाकर दे सकती हूँ। इसके लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी इस वीडियो को हम लोग काइन मास्टर पे क्रिएट करेंगे, तो चलिए हम लोग एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेती हूँ। ये ओपन हो गया है। इसके बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हम लोग वीडियो की रेशियो को सेलेक्ट कर लेंगे, तो इस 16:9 वाली रेशियो को ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ से मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पे आपको वीडियो में जो भी पिक्चर्स को ऐड करनी है उसको आप लोग ऐड कर लेना। तो यहाँ पे मैं पिक्चर्स को ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पे हम लोग 7 पिक्चर्स को ऐड कर लेंगे। इसके बाद इन सब में हम लोग स्टार्ट पोजीशन एंड एंड पोजीशन को ऐड करेंगे, तो आपको इस क्रॉप वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन को रख लेते हैं एंड यहाँ पे एंड पोजीशन को, तो सारे में ऐड कर लेंगे स्टार्ट पोजीशन को एंड एंड पोजीशन को। इसके बाद इन सब में हम लोग ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड कर लेंगे, तो आपको फन ट्रांजिशन इफेक्ट में आ जानी है एंड इसमें मैनी सर्कल्स वाली इफेक्ट को ऐड कर लेते हैं, तो सारे में ऐड कर लेंगे। ओके, एंड इसके बाद इन सारे पिक्चर्स की विग्नेट को ऑन कर लेते हैं। इसके बाद इसमें हम लोग ब्लर वाले इफेक्ट को ऐड करेंगे, तो आपको इफेक्ट्स में आ जानी है एंड इसमें ब्लर वाले इफेक्ट को ऐड कर लेते हैं एंड इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे एंड सेटिंग्स में आके इसको 4 रख लेते हैं एंड इसको भी एंड तक रख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड कर रही हूँ। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग इसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना एंड इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे एंड इसके बाद आपको क्रोमा की वाले ऑप्शन पे आना है एंड इसको एनेबल कर लेंगे एंड यहाँ ग्रीन कलर ऑलरेडी ऐड हो गया, तो इसको बस एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, एंड इसके बाद इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट होने के बाद आपको बैक आ जानी है एंड फिर से इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड फिर से हम लोग वीडियो की रेशियो को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर की बैकग्राउंड को ऐड कर लेनी है एंड इसकी साइज को 32 सेकंड्स तक रख लेते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे जो मैंने वीडियो प्रोजेक्ट को बनाया है इसको मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ, इस टेम्पलेट वीडियो को, एंड इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे एंड इसको ब्लेंड करना है तो इसको स्क्रीन कर लेते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे हम लोग एक पिक्चर को ऐड कर लेंगे, बैकग्राउंड पिक्चर को, एंड इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं एंड इसको सेंड टू बैक कर लेंगे एंड इसकी ऑपेसिटी को कम कर लेते हैं। ओके, इसके बाद इसमें हम लोग मूव एनिमेशन को ऐड करेंगे, तो आपको इस की वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड स्टार्ट में ये पिक्चर यहाँ पे रहेगा एंड यहाँ तक आने के बाद इसको फिर से प्लस कर लेते हैं एंड इसको यहाँ पे रख लेंगे एंड इसमें आउट एनिमेशन को फेड रखना है। ओके, एंड जैसे यहाँ पे हैप्पी बर्थडे टेक्स्ट आएगा एंड इसके बाद यहाँ से हम लोग नेम को ऐड कर लेते हैं
एंड इसमें भी फ़ॉन्ट स्टाइल को रख लेंगे एंड इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। सॉरी, इसको यहाँ पे रख लेंगे एंड इसकी शेडो को ऑफ कर लेंगे एंड यहाँ तक जब वीडियो आएगी तो इसको राइट साइड में ट्रिम कर लेते हैं एंड इसको भी, इसमें भी आउट एनिमेशन को फेड रखना है एंड इन एनिमेशन को भी फेड रखना है। ओके, यहाँ तक का सारा प्रोसेस हो गया है हमारा एंड इसके बाद यहाँ से हम लोग, हमने जिसको एक्सपोर्ट किया था उस वीडियो को हम लोग उसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से इसको ऐड कर लेते हैं। एंड इसको भी सेंड टू बैक कर लेंगे एंड इसमें भी इन एनिमेशन को फेड रखना है एंड इसको भी फुल स्क्रीन कर लेते हैं एंड इसके बाद फिर से आपको क्रोमा की वाले ऑप्शन पे आना है एंड इसको एनेबल कर लेंगे एंड यहाँ ब्लू कलर को ऐड कर लेते हैं एंड यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेंगे एंड इसके बाद यहाँ से हम जो फर्स्ट पिक्चर है उसको हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे। ओके, एंड इसको सेंड टू बैक कर लेते हैं एंड इसमें भी इन एनिमेशन को फेड रखना है। ओके, एंड जहाँ तक ये फ्रेम रहेगी उसके आगे इस पिक्चर को राइट साइड में ट्रिम कर लेंगे एंड यहाँ से नेक्स्ट पिक्चर को ऐड कर लेते हैं एंड इसको भी सेंड टू बैक कर लेंगे। तो इसी तरह से आपको एंड तक सारी पिक्चर्स को ऐड कर लेनी है। तो मैं अभी इसको रहने देती हूँ, आप लोग इसमें ऐड कर लेना सारी पिक्चर्स को। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पे मैंने टू और पिक्चर्स को ऐड किया था इस हर्ट वाली फ्रेम में। तो यहाँ से हम लोग ऐड करेंगे उस पिक्चर को एंड इसको भी हर्ट वाली शेप में क्रॉप कर लेंगे। तो आपको क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे आना है एंड मास्क को एनेबल कर लेंगे एंड यहाँ हर्ट वाली शेप को रख लेते हैं एंड इस टेम्पलेट वीडियो को ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं एंड इस पिक्चर को इस फ्रेम में रख लेंगे। एंड इसको भी एंड तक रख लेते हैं एंड इसके बाद यहाँ पे मैंने एक और पिक्चर को ऐड किया था सेकेंड हर्ट वाली फ्रेम में। तो उसको भी आप लोग इसी तरह से ऐड कर लेना एंड लास्ट यहाँ पे मैंने एक और पिक्चर को ऐड किया था हर्ट वाली पीएनजी को। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एंड इसको यहाँ पर रख लेते हैं एंड इसको भी ब्लेंड कर लेंगे। तो इसको ओवरले करना है एंड इसको भी एंड तक रख लेंगे एंड इसमें भी इन एनिमेशन को फेड रखना है एंड इस पिक्चर में भी इन एनिमेशन को फेड रख लेते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे हम लोग नेम की टेक्स्ट को ऐड कर लेंगे। तो आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आना है एंड यहाँ नेम को लिख लेते हैं एंड इसमें भी इन एनिमेशन को फेड रखना है एंड इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल को रख लेंगे एंड इसको यहाँ पे रख लेते हैं एंड इसको भी एंड तक रख लेंगे। तो गाइज, आप लोग देख सकते हो ये वीडियो क्रिएट हो गई है एंड सॉन्ग इसमें ऑलरेडी ऐड है। और अगर आप लोग सॉन्ग चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग टेम्पलेट वीडियो की साउंड को ऑफ कर सकते हो एंड इसके बाद ऑडियो में आके आप अपनी फाइल से कोई भी सॉन्ग इसमें ऐड कर सकते हो। इसके बाद आपको इस शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप वीडियो की साइज को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर लोगे तो ये आपकी फाइल में सेव हो जाएगी। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ यार आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर लो और साथ ही आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरी अदर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उन सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये सारे झोलम झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं। खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूँ मैं। और स्पेशल लाइन फॉर सब फेक रैपर्स बेटा सुन।